So hey guys, welcome or welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Palak Munota and I post lifestyle, fashion and beauty content. So if you want to be a part of this family, do subscribe to my channel below. So yeah, आज की वीडियो में हमारी स्किन केयर विजय मेरा गला बहुत खराब है गाइस. अपनी बहुत वीडियो मतलब लास्ट की जितनी भी वीडियो में सब में एक ही चीज़ बोलूँ, मेरा गला बहुत खराब है गाइस, मेरा गला बहुत खराब है गाइस, मेरा गला बहुत खराब है, क्योंकि तो मौसम बहुत बदल रहा है आजकल. सो मेरा गला साथ नहीं देता, मेरा सेंसिटिव गला AF. आज की वीडियो वाली स्किन केयर वीडियो, क्योंकि मेनी ऑफ माय गर्ल्स वांटेड टू नो कि मेरे क्या प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के, क्योंकि मेरी स्किन का कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी ऑयली प्लस ड्राई स्किन, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ड्राई है, जैसे मेरा फॉरहेड ड्राई है और मेरी ये चीज़ ऑयली है और ये चीज़ ड्राई है. सो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी. सो या अब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपने स्किन केयर रूटीन विद एवरी प्रोडक्ट, और काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं एक दो चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि वो नेसेसरी होती है और मेरे को सूट जो करती है वो मैं महंगे भी लेना प्रेफर करती हूँ. और हर प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए. सो या विदाउट एनी चौपड़ चौपड़ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने यूज करा फेस वॉश जो कि मैं यूज करती हूँ डर्मावीव का, वो कुछ 900 रुपीज का है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है. मैं सीरियसली बता रही हूँ, सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉन सेंसिटिव स्किन के लिए और एक्ने प्रोन स्किन के लिए, विदाउट एक्ने स्किन के, मतलब सबके लिए वो बहुत यूनिवर्सल वर्क करता है वो. सो मेरी तरफ से बहुत अच्छा वो, चेकआउट करो. लेकिन पहले पैच टेस्ट लेना, मुझे सूट करा है, मेरे घर वालों को सूट कर, जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे. सो पहले पैच टेस्ट लेना और पैसे वेस्ट मत करना. सो या केयर, मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ. सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टोनर. टोनर मैं यूज़ करती हूँ ये हिमालयन का टोनर, जो कि काफ़ी मतलब नेचुरल, क्योंकि मतलब बाकी टोनर मैंने देखे ना बहुत हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस वाला नहीं है और ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल. सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. वैसे तो कॉटन पैड्स से हमेशा टोनर लगाते हैं, बट मेरे कॉटन पैड्स खत्म हो चुके हैं. सो मैं कॉटन से तो नहीं लगा सकती क्योंकि वो छोड़ देता है रुएँ. सो मैं हाथ से लगाऊंगी, मेरे हाथ वैसे भी अच्छे से वॉश है पूरे, जैसे कि अभी ये लग चुका है लेकिन अभी ये अब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्किन में. तो इसको अब्जॉर्ब करने के लिए हम ये दो फिंगर्स लेंगे और इसको ऐसे ना टैप 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 पूरी स्किन पे टैप 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 टैप. वैसे ये दो फिंगर्स का मैंने कोई नुस्खा वैसा नहीं बताया, मेरे को दो फिंगर्स सुटेबल लगते हैं. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पाम से भी कर सकते हो. सो गाइस, स्किन में टोनर अब्जॉर्ब हो चुका है लेकिन अभी पैची पैची सा है थोड़ा, जैसे कि देख सकते हो गया. तो अभी थोड़ा हम टाइम देंगे इसको, लेट इट अब्जॉर्ब. और इससे स्किन बिल्कुल डल सी लगती है इसको लगाने के बाद, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ये. सो अभी चमक जाएगी मेरी स्किन, देखना. सो गाइस, टोनर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका है, बिल्कुल भी पैची नहीं है. सो या अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है फेस सिरम. सो फेस सिरम मेरा मानना है बहुत सेंसिटिव स्टेप होता है, तो आप अपना फेस सिरम ध्यान से चूज करना. मुझे ये PR में आया था बाय बायो फ्रेश का विटामिन सी फेस सिरम, और अभी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर चुकी, मैं इसकी प्रमोशन कर चुकी हूँ. बट ये काफ़ी मेरी फेस पे सूट कर रहा है, मतलब बहुत सूदिंग फेस सिरम है ये, और मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका. एक बिल्कुल ना सॉफ्ट सा, कोई बीच में खराश ही नहीं, बस बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका और मेरी स्किन पे बहुत सूटेबल रहा है. सो अगर आपका बहुत बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, सो मैं आपको ये वाला फेस सीरम रिकमेंड करूँगी. प्लीज़ ध्यान से यूज़ करना, एकदम से ही मत लगा लेना, पहले पैच टेस्ट लेना, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव सीरम है. सो या बी वेरी केयरफुल विथ दैट. ये सीरम मुझे काफ़ी सूट करा है मेरी स्किन पे, सो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार ही ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये फेस सीरम. तो गाइज़ ये कुछ ऐसा सा दिखता है बायोफ्रेश का विटामिन सी फेस सिरम. बेसिकली मुझे हर एक उस पे पार्टीशन पे एक एक पंप यूज करना पसंद है. देख सकते हो मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है सिरम. सो हम इसको मसाज करेंगे, मसाज. ये इस फेस सिरम की खासियत है, इसको लगाते ही जो रिलैक्स आता है ना भाई, क्या बताऊं. और गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक ना ग्वाशा और या फिर फेस रोलर ले लो. मैं भी ले नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और मैं आपको वैसे सस्ता भी बता सकती हूँ, पर मैं अभी वो भी नहीं ले पा रही क्योंकि अभी आई एम ब्रोक, वेरी ब्रोक. सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ग्वाशा लेने के लिए, क्योंकि भाई बहुत फेस लिफ्टिंग में अच्छा रहता है, मतलब एक हेल्दी स्किन के लिए ना ग्वाशा बहुत अच्छा रहता है. तो जिसको नहीं पता, ग्वाशा एक मार्बल जैसा होता है ऐसा, तो उससे आप मसाज कर सकते हो. उसकी आपको देखनी पड़ेगी टिप्स कैसे यूज़ करनी होती है, बट या मैं आपको रेकमेंड करूँगी ग्वाशा लो, इट्स अ मस्ट हैव. मेरे पास खुद नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि मस्ट हैव, क्योंकि मैं भी लेऊँगी, बहुत टाइम हो गया मुझको बोलते बोलते. गाइस फेस सीरम के बाद कुछ ऐसी स्किन होगी काफ़ी सॉफ्टी सॉफ्टी,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अंडर आई क्रीम, जिसके डार्क सर्कल्स होते हैं, जो डार्क सर्कल्स में रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो और काफ़ी अंडर डार्क स्पॉट्स यहाँ पे जो होते हैं ना, और जो ये घेरे पड़ जाते हैं उसके लिए हेल्प करता है। मैं यूज़ करती हूँ ये वाओ की एलोवेरा जेल, जो कि यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम अंडर आई क्रीम के लिए, जो कि बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, तो मुझे ये काफ़ी सूट करी है। तो आई डोंट नो कि आपकी स्किन पे कैसी होगी, तो इसको हमें ऐसे अप्लाई करना होता है। और अगर आपको फेस रोल ऐसे, अगर आपके पास रोलर है ना, तो आप रोलर से भी कर सकते हो, वरना आप अपने ये दो फिंगर्स लो और इसके साथ हमेशा अपवर्ड्स, ये ऐसे अपवर्ड्स 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 क्या हो गया मुझे, और कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाज करो, ये अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगी। और बिल्कुल ना लाइट हाथों से, ऐसे गुस्सा के नहीं, बिल्कुल ऐसे, समझ लो, बिल्कुल ऐसे आराम से, क्योंकि रिलैक्सिंग होता है और ना वो इरिटेशन नहीं देता, इरिटेशन नहीं देता, अच्छा लगता है स्किन पे। गाइस डन विद द अंडर आई क्रीम, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग रहती है ये भी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मॉइस्चराइजिंग, तो ये काफ़ी सेंसिटिव और स्टेप है। मॉइस्चराइजर हमेशा आपको ढंग से रिसर्च करके लेना चाहिए, बिल्कुल अपना स्किन टाइप वगैरह सब कुछ देख के, अपना सेंसिटिव स्किन है या फिर कुछ भी, तो सब कुछ देख के लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी, बहुत ओ टोनर गिर गया था, मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये न्यूट्रीडर्म का ये मॉइस्चराइजर। भाई कसम से बता रही हूँ, ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ना, इतना अच्छा, इसका फॉर्मूला ही बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसे ना प्राइमर जैसा नहीं होता, जो मेकअप स्टेप से पहले सबसे पहले प्राइमर लगता है, ये बिल्कुल उसके जैसा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ। ये भी मुझे कोलैबोरेशन में आया था और ये भी मुझे बहुत पसंद है। गाइस जहाँ पे आपके एक्ने वगैरह होते हैं ना, तो उसके उस जगह पे ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाना, ताकि ना हो, क्योंकि और पता है मेरी इससे पहले बहुत ब्रेक डाउन स्किन रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह होते थे, और अगर मेरी स्किन को किसी ने अच्छा करा ना, तो वो ये है, वो है यही वाला मॉइस्चराइजर और डर्मावीव का फेस वॉश। मतलब उस फेस वॉश की स्मेल अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ऐसे अजीब सी स्मेल है उसके अंदर, बट और इसमें भी ना अपवर्ड गाइज, अपवर्ड अपवर्ड्स अपवर्ड्स, मतलब ट्राई करना हमेशा आप अपनी स्किन केयर अपवर्ड्स में ही लेके जाओ, क्योंकि रिंकल्स वगैरह के चांसेस नहीं होते उस, तो अपवर्ड्स। मॉइस्चराइजर भी हो चुका है, स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट। वैसे ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो लास्ट स्टेप होता है, बट मैं इसके साथ अपने दो तीन स्टेप और भी वो करती हूँ इंक्रीज। बट इसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हो ना, जैसे अब अगर आपको अब मेकअप करना है और अभी अभी आप कहीं के लिए तैयार हो रहे हो, जैसे कहीं आपके फंक्शन है कोई, तो आप अगर स्किन प्रेप कर रहे हो अपने पहले, तो आई सजेस्ट कि हमेशा सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि ये मस्ट है। जब भी आप अपना मतलब अपनी स्किन केयर करते हो ना, तो मस्ट एक बार ये सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए लास्ट में। सो हाँ, मैं ये बता रही थी कि सनस्क्रीन हमेशा लगाओ, कि अगर आप जैसे नाइट टाइम रूटीन कर रहे हो, तो सनस्क्रीन लगानी मस्त नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं, तो हमें कोई धूप से बचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फालतू का स्टेप बढ़ाने वाली चीज़ है। बट अगर आप बाहर जा रहे हो मेकअप करके, या फिर बिना मेकअप के नॉर्मल आप स्किन केयर करके बाहर जा रहे हो, तो सनस्क्रीन मस्त लगाना। और ये भी वाओ की सनस्क्रीन है, SPF 55, और इसका भी मैंने कोलैब करा हुआ है, जो कि मुझे सही में पसंद आई थी। इसमें कोई वाइट चौकीनेस नहीं है, जो कि बाकी स्किन केयर्स में सनस्क्रीन में ढूंढती हूँ मैं। तो अब इसके बाद अगर मैंने सनस्क्रीन लगाई, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, तो अभी मैं बाहर नहीं जा रही, सो मुझे अगर अभी सनस्क्रीन की नीड नहीं है, तो मैं ये स्किप करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूंगी, जो कि है मस्ट। इसने मतलब अभी मैं इसको 5 दिन से लगाने लगी हूँ, मे भी हाँ कैस्टर ऑयल, मैं बताना ही भूल गई हूँ, कैस्टर ऑयल इसको 5 दिन हुए मेरे को लगाते हुए, और लिटरली मेरी आईलैशेस इतनी थिक हो गई है, लंबी तो नहीं हुई है आई गेस, बट थिक बहुत हो गई है। आप वॉन्ड ले सकते हो किसी भी अपने ओल्ड मस्कारा की, जैसे कि मैंने रिवर्स को थोड़ा सा बेंड करा हुआ है, ताकि मेरी आईलैशेस पर अच्छे से लगे, और फिर इसके बाद मैं इसको डिप करूंगी इसके अंदर, और फिर इसको पुछ साफ, और इसको बहुत जेंटल अप्लाई करना गाइस, बहुत जेंटल। मेरे पास शीशा नहीं यार, मैं कैसे करूंगी, बट क्योंकि ये ना अगर आंख में चला गया, आपकी पूरी रात बर्बाद है, मतलब इतने बहुत आपको मैं लगा के बता रही हूँ, बट वैसे बता रही हूँ कि इसको बहुत जेंटल लगाना, क्योंकि जला देता है भाई ये
अगर आंख में चला गया तो गाइज ऐसे ही आपको दोनों अप्लाई पे दोनों आईज पे अप्लाई करना है और नीचे भी कर लेना अच्छा रहेगा। ये यही है कि अपना सोते टाइम करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सो नहीं रही हूँ अभी, मेरे को वीडियो शूट करनी है इसके बाद। मैं ये नहीं अप्लाई करूंगी क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली लगा रहे हो और अगर आप लेटे तो इधर की साइड लेटे तो आपकी ये वाला ऑयल आंखों में चल जाएगा और बहुत बर्न करेगा ये आपकी आईज लिटरली बहुत। फर्स्ट दिन जब मैंने अप्लाई करा था ना तो मैंने ना ऐसे वो लगाते लगाते मैं झपकी दी थी पलक, झपक गई थी मेरी पलक। सो भाई मेरी आंख में 1% का वो चला गया और मेरी आंख पानी पानी हो गई, ऐसा सीन हो गया था। और फिर सोते टाइम भी मैं जब स्किन केयर करके सोई थी ना रात को, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मतलब मैं लेट ही रही हूँ तो फिर मैं लगा के लेट जाती हूँ और मैं इसको लेट ही लगा के मैं फ़ोन चला रही थी रात को। ओ भाई मैं इधर लेटूँ मेरी इधर की आँख में जाए, इतनी दर्द इतनी दर्द। फिर मैं फटाफट से सो गई ताकि आँख में ना जाए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अगर कैस्टर ऑयल लगाओ अपने आई लैशेस पे रिकमेंडेशन से तो इसलिए ये करके लगाना कि आप जब सो रहे हो ना जिस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम सो रहे हो तो लगा लेना। और लास्ट स्टेप हमारा लिप बाम मस्ट, क्योंकि लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। सो गाइज यही थी मेरी स्किन केयर रूटीन। अभी फेस काफी ऑयली लग रहा है लेकिन अगर मैं अभी इसके ऊपर मेकअप करती हूँ तो काफी अच्छी रहेगी स्किन मेरी, और अगर इसमें मैं सोती तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो यार गाइज यही थी मेरी स्किन केयर, आपको सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैंने अपनी तरफ से सारे अफोर्डेबल ही रखती हूँ प्रोडक्ट्स क्योंकि मैं खुद ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। सो यार गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड अ लिटिल बिट, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट। दिस थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे बाय बाय।